इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जो निश्चित है उसके लिए परेशान नहीं होना है, और परेशानी इसलिए नहीं होना है कि जो होना है सब निश्चित है। देखिए, इंद्र ने आकर मां अहल्या के साथ उत्पात किया, गौतम जी ने शापित कर दिया, उसको भी किया और भ्रमवश मां को भी कर दिया। मां तो शांत हो गई, इंद्र रोने लगा। ऋषिवर गौतम जी ने उसका मोचन कहा, आगे कथा में कल श्रवण करेंगे हम आप। ये जो शाप मिला इसका मोचन कब हुआ, वो इंद्र को ऋषि जी ने दिया। मां से कहा, क्रोध में मैंने आपको शाप तो दे दिया, इसका मोचन तब होगा जब भगवान ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके इसी मार्ग से मिथिला जाएंगे, उनके चरण रज स्पर्श से आपको सदगति प्राप्त हो जाएगी। मां अहल्या जनकराज के कुल पुरोहित श्रद्धेय शतानंद जी की मां है, अद्भुत है। इसलिए गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी शाप बस उपल दे, चरण कमल रज चाहत कृपा सैद्धांतिक रूप में मेरे सरकार चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं। ऋषि पत्नी है मां अहल्या, कदापि रजस्पर्श न कराते, परंतु ऋषि जी ने मोचन कहा है, चरण रज से ही होगा, उसकी बाध्यता है। इसलिए परमात्मा ने गुरु आज्ञा पाकर और चरण रज स्पर्श कराया, मां को निज स्वरूप प्राप्त हो गया। प्रगट भई तत् गुण सही सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तत् सही जन सुख होई कर चोरी नहीं,
रघुपति कृपा भगति पारी सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो भरु पावा गए पति लोग आनंद भरी। जीवन में धर्मनिष्ठ व्यवहार को
सब प्रकार बना के रखना चाहिए। कितना भी चला जाए धर्म सिद्धांत न जाए। क्यों? धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए। गए पतिलोक, एक कैसा संबंध है भारतीय संस्कृति में। पति पत्नी का संबंध श्रद्धेय मनु जी महाराज अपने स्मृति में कहते हैं, पत्नी पति की आत्मा है। आत्मा कहाँ है? शरीर में। उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। जैसे आदमी सोचता है प्राण नंदी करे, भैया चाहे जो हो जाए प्राण बचाओ, उसी प्रकार हमको अपने गृहस्थ जीवन में अर्धांगिनी का संहार करना चाहिए। सर्वस्व चला जाए ये संबंध बना रहना चाहिए, बचा रहना, यही बचता ही है। और तो सब धीरे धीरे फुर हो जाएंगे, यही बचेंगे। संख्या दो ही, सीता राम ना, राधे श्याम, दो ही पर दो ही बचेंगे, सब चले जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। माँ कहाँ गई? गए पतिलोक आनंद भरी। इसलिए गोस्वामी जी का निर्णय आया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित तुलसीदास सस कहि भज छाड़ी कपट जन। ऐसे प्रभु कैसे जो अकारण करुणा करते। देखिए जगत के किसी भी जीव की आपके प्रति किसी भी व्यवहार के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। प्रभु को कोई कारण नहीं चाहिए, कारणों पर विचार नहीं करते। इसलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। का नाम? अकारण करुणा। भगवान सकारण करुणा नहीं करते, अकारण करुणा करते। सत्य। अच्छा क्यों करते हैं? इसलिए कि उनको हमारा जीवन निर्मल जान पड़ता है। निर्मल मन जन सो मोहि, जो ज्यादा गठरी लादे रहता है ना, खटर पटर अटर बटर सटर मटर, उस पर भगवान करुणा नहीं करते। ज्यादा टेंशन बेमतलब का लादे घूम रहे, जब देखो तब एक पसेरी में 5 किलो होता है, 5 किलोग्राम लादे ठहर रहे हैं, झुठा है बेमतलब। भगवान निर्मल जन को अपना मानते हैं, जो आहार विहार मन सब प्रकार चित्त बुद्धि अहम निर्मल हो। इनकी टेक है, जो निर्मल मन है वो मुझे पाया ही समझे। इनकी कोई शर्त नहीं है, ऐसा होगा तो हम करुणा करेंगे, वैसा होगा तो हम नहीं करेंगे, करेंगे ही। यह सिद्धांत है भगवान का। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।